equation of a quadratic equation. श्रीधराचार्य रूल सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय श्रीधराचार्य रूल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। यहाँ पर आप ये कहिएगा कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला By using quadratic formula, quadratic equation, by using quadratic formula, a quadratic equation can be by using quadratic formula, a quadratic equation can be solved as can be solved as x is equal to minus b plus minus under root capital D upon 2a, where ax square plus bx plus c is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 is the quadratic equation, is the quadratic equation, and capital D is equal to B square minus 4AC is called the discriminant, is called the discriminant. कैपिटल डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस फोर एसी, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसके बाद यहां पर आप लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, एक हेडिंग डालेंगे इसी में नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। ये नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आती है, रूट्स आती है। अब रूट्स का कुछ नेचर होता है, नेचर मतलब कि रूट्स किस तरह से बिहेव करेंगे। रूट्स या तो रियल होंगी, भाई तीन तरीके की रूट्स होंगी, या तो हम बोलेंगे कि रियल है, या फिर हम बोलेंगे कि इमेजिनरी है। इमेजिनरी को हम कह सकते हैं कि नॉट रियल, ठीक है। अच्छा, रियल में भी दो कैटेगरी होंगी, एक तो होगी रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स को हम बोल देते हैं यूनिक रूट्स। फॉर एग्जांपल, मैं कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने पर अगर मान लीजिए हमारी एक्स की दो वैल्यूज़ आती हैं, एक्स की एक वैल्यू आ जाती है 4 और एक वैल्यू आ जाती है 11, तो दो वैल्यूज़ आ गई ना, इसके अलावा और एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी, या तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई या फिर 11 आ गई, तो दो वैल्यूज़ हैं। ये दोनों वैल्यूज़ फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड का मतलब क्या है, यूनिक है, ये चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ तो ये हो गई कि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई और दोनों की दोनों अलग अलग हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, 4 और 11 का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, 4 और 11 बिल्कुल अलग अलग रूट्स हैं, तो उसको हम रियल एंड डिस्टिंक्ट बोलते हैं। तो ऐसा कब होता है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैंने कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह का जिक्र नहीं करा, हमें मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं करनी है। हमें क्या करना है कि जो भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे मान लो ax square plus bx plus c, मैंने बोला ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। x square का जो कोफिशिएंट है उसको मैं बोलूँगा a, x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे b, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको c। a b और c की हेल्प से सीधा रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है, सीधा रूट्स निकल जाएंगे a b और c की हेल्प से, ठीक।
तो यहाँ कोई मिड टर्म स्प्लिटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब वो जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स कैसे निकलेंगे, वो रूट्स या तो यूनिक आएंगे, यूनिक का मतलब क्या है कि फिक्स वैल्यू। अच्छा, कई बार ऐसा होता है जैसे मैंने आपको ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हुए बताया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, वो बन रहा था x माइनस फोर का होल स्क्वायर। तो मैंने उसको कैसे सॉल्व करवाया था, x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो ऐसे करवाया था। और फिर ये कहा कि पहले इस वाले x माइनस फोर को जीरो के इक्वल रख दो, फिर इस वाले x माइनस फोर को जीरो के इक्वल रख दो। तो इससे क्या होगा कि x की वैल्यू हो गई 4, और यहाँ से भी क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई 4। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं, और दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, रियल हैं, इमेजिनरी तो नहीं है। अच्छा, इमेजिनरी टर्म अभी आपको पता नहीं है, इमेजिनरी टर्म सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर आ जाए। अंडर रूट के अंदर सोचो, अंडर रूट 16 तो आप जानते हैं ना, अंडर रूट 16 तो क्या होता है, या तो प्लस 4 या फिर माइनस 4। क्यों? क्योंकि अगर मैं प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 16 मिलेगा, और अगर मैं माइनस 4 का स्क्वायर करूंगा तो भी मुझे 16 मिलेगा। ठीक है, तो अगर मैं 16 का स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो प्लस 4 आएगा या माइनस 4 आएगा, प्लस 4 और माइनस 4 दोनों ही रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म लिखी हुई है, मान लो माइनस 16, अंडर रूट ऑफ माइनस 16, तो ये चीज़ हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, इसको आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए अगर अंडर रूट के अंदर आपको नेगेटिव वाला टर्म मिल जाए तो आप सीधे सीधे बोल देंगे द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, उसके कोई रियल रूट्स नहीं होने वाले, और जब रियल रूट्स नहीं है तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन, तो आपको उसको सॉल्व भी नहीं करना, वहीं छोड़ देना। ठीक, तो नेचर ऑफ रूट्स में मैं सबसे पहले मुझे सिर्फ तीन चीज़ें देखनी है। मतलब अंतर ये है कि नेगेटिव नंबर का मैं स्क्वायर रूट ले ही नहीं सकता। आप बताओ कोई भी ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर नेगेटिव आता हो, स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। जैसे माइनस 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 है, और अगर मैं प्लस 2 ले रहा हूँ तो प्लस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास दो ही तो नंबर होते हैं दुनिया में, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, और मैं नेगेटिव का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी पॉजिटिव आ रहा है, मैं पॉजिटिव का स्क्वायर कर रहा हूँ तो भी नेगेटिव आ रहा है, तो भी पॉजिटिव आ रहा है। तो आप ये देखिए, मेरे पास नंबर ही पॉजिटिव है, मैं पॉजिटिव का ही स्क्वायर रूट निकाल सकता हूँ, नेगेटिव का निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता ही नहीं है। जब नेगेटिव आता ही नहीं है तो हम नेगेटिव का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट किसका निकलेगा, जिसका स्क्वायर हो चुका हो। भाई 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट कैसे निकला, क्योंकि उसका स्क्वायर हो चुका था। 4 का स्क्वायर होता है 16, या माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अच्छा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका भी हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, वो पॉइंट पे आता है। स्क्वायर रूट निकालना अगर भूल भी गए होंगे तो मैं बता दूंगा। ठीक है, स्क्वायर रूट जनरली भूल जाते हैं बच्चे, 10th में आकर भी भूल जाते हैं, कोई नहीं, मैं बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म ना आए। ठीक, तो आप तीन कंडीशन देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स में। फर्स्ट लिखें, फर्स्ट है इफ बी इज ग्रेटर देन 0, बी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, इफ बी इज ग्रेटर देन 0 then the equation has real and distinct roots, distinct का मतलब होता है अपना अलग अलग roots। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि अगर d की value यानी कि discriminant की value अगर 0 से बड़ी हो तो। उसके बाद nature of roots में second condition लिखेंगे, if d is equal to 0 then the equation d is equal to 0 then the equation has real and has real and equal roots, third d is less than 0 then the equation has no real roots and it cannot be solved, इसको solve नहीं किया जा सकता, इट कांट बी सॉल्व। ठीक है,
हो गया ठीक है। चलिए जी अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन है राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। The discriminant of the discriminant of the following quadratic. Write the discriminant of the following quadratic equations. ठीक है first देखिएगा first है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है वन है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हो गया वन। लिखिएगा ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन on comparing this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0 we get a is equal to 1 x का कोफिशिएंट क्या है b इधर x का कोफिशिएंट है -4 b is equal to -4 एंड सी इज इक्वल टू टू। ठीक है तो ए बी और सी इन तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक अब वो पूछ रहे हैं इसमें उन्होंने सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला है कोई सॉल्व नहीं करना है इसको। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू टू। माइनस फोर का स्क्वायर इज 16 और 4 इंटू 1 इंटू 2 इज 8 तो 16 माइनस 8 इज 8 तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट ये बेहद आसान है। मैं इसका फोर्थ पार्ट कराऊंगा और सिक्स्थ पार्ट कराऊंगा सीधा। ठीक है भाई आप समझ रहे हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ए बी और सी तो आप बता ही सकते हैं बेहद आसान है और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स दे रखे हैं मैंने फर्स्ट करवाया फोर्थ और सिक्स्थ और करवाऊंगा सारे करवाने की जरूरत नहीं है। फोर्थ है रूट थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स और माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो तो फिर इसको कंपेयर करना है किससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करना है तो ए की वैल्यू अंडर रूट थ्री बी की वैल्यू माइनस टू रूट टू और सी की वैल्यू माइनस का टू रूट थ्री। ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसके बाद देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी है माइनस टू रूट टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू रूट थ्री इंटू सी कितना है माइनस टू रूट थ्री। माइनस टू रूट टू का स्क्वायर तो माइनस टू का स्क्वायर इज फोर और रूट टू का स्क्वायर इज टू। उसके बाद माइनस
माइनस फोर रूट थ्री, अच्छा इसको सीधा सीधा कर लीजिए, देखिए माइनस फोर है और माइनस टू है तो ये हो गया प्लस का एट, और रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री प्लस थ्री, क्लियर है ना, फोर टू ज़ा एट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का एट हो गया, और रूट थ्री टू रूट थ्री इज थ्री, तो फोर टू ज़ा एट प्लस एट थ्री ज़ा ट्वेंटी फोर, एट प्लस ट्वेंटी फोर इज थर्टी टू, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, थर्टी टू आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से मैं इसका सिक्स पार्ट करा रहा हूँ, सिक्स पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस टू क्यू इज इक्वल टू जीरो, कंपेयर इट विद ax square plus bx plus c is equal to 0, तो देखिए x square का कोफिशिएंट है 1, तो हमें इसको इससे कंपेयर करना है, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 3, और c की वैल्यू आ गई, c की क्या वैल्यू आएगी बताओ, 2q, बिल्कुल सही, कांस्टेंट और पूरा का पूरा लिया जाता है, तो c की वैल्यू 2q, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलेगा, b square minus 4ac, तो b is p, p square minus 4 into 1 into 2q. फिर उससे ऊपर पावर 5 तक जाएंगे तो एफ डी आ जाएगा, तो ये ए बी सी डी की कोई ऐसी वैल्यू होती नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आप देखिएगा, ये तो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा, ये पी का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर तो पी स्क्वायर हो गया, ये तो हो गया पी स्क्वायर, और माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, माइनस फोर इंटू टू क्यूब कितना हो गया माइनस एट क्यूब, तो पी स्क्वायर माइनस एट क्यूब, पी स्क्वायर माइनस एट क्यू, ये हो गया। अब एग्जांपल नंबर टू है, एग्जांपल नंबर टू देखिएगा, एग्जांपल टू इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स, वेदर द गिवन given quadratic equations have real roots, have real roots, and if so find the roots, and if so
फाइंड द रूट्स. फर्स्ट पॉइंट देखिए, 9x² + 7x - 2 = 0. 9x² + 7x - 2. 9x² + 7x - 2 = 0. तो इसमें हमें क्या करना होगा कि डिटरमिन वेदर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल रूट्स एंड इफ सो फाइंड द रूट्स. तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि जो भी मैं अब एक एक करके, जैसे फर्स्ट पार्ट है, मुझे बताना है कि क्या इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं. तो रियल रूट्स बताने का क्या तरीका है, डिस्क्रिमिनेंट निकालो. अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका, अच्छा वो वहाँ से मिटा दिया मैंने, अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, अगर जीरो से बड़ा है तो मैं बोलूँगा रियल रूट्स हैं. जीरो के इक्वल भी है तो भी रियल रूट्स हैं. अगर जीरो से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर जीरो के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल रूट्स. ठीक है, और अगर वो आता है ऐसा कि जीरो से बड़ा आ जाता है डी या जीरो के इक्वल आ जाता है, तो हमको फिर रूट्स की वैल्यू भी निकालनी है. ठीक है, लिखा है ना, एंड इफ सो फाइंड द रूट्स, कि अगर वो रियल आता है तो आप उसकी वैल्यू भी निकालिए. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है. कंपेयर इट विद ax² + bx. Compare it with ax² + bx + c = 0. तो a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से, 9, b की वैल्यू हो गई 7 और c की वैल्यू हो गई -2. a, b और c, इन तीनों की वैल्यू आ गई. अब d = b² - 4ac. तो b स्क्वायर क्या हो गया, 7 का स्क्वायर - 4 × 9 × -2. 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस, अच्छा 4 9 36 36 2 72, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 72. 9 + 2 = 11, 4 + 7 = 11 और 121 आ गया. तो हम ये कहेंगे कि सिंस b इज ग्रेटर देन 0, सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मिनट में आ रहा हूं मैं, जरा
लॉग से तो नहीं होता, एच लॉग किसका फोन है। अच्छा यहाँ पर आप ये देखिए, सिंस डी इज ग्रेटर देन जीरो सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज Distinct roots. अब उन्होंने बोला if so find them, कि अगर वो real और distinct roots तो है तो फिर find out करिए। आपको 11 की वैल्यू प्लस ले लेनी है और एक बार माइनस ले लेनी है। अच्छा माइनस 7 प्लस 11 कितना हो गया 4 अपॉन 18 और यहां से माइनस 18 अपॉन 18 तो 18 वन जा 18 वन आ गया 2 टू जा 4 2 9 जा 18 तो x की दो वैल्यूज आ गई x is 2 अपॉन 9 और x is equal to minus 1 x की दो वैल्यूज हैं या तो 2 अपॉन 9 और या फिर माइनस 1 तो दोनों ही रियल वैल्यूज हैं दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हैं डिस्टिंक्ट हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है। यस सर। चलिए ठीक है इसके बाद अगला देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट है 2x² सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है ये बताने के लिए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। तो d इज इक्वल टू होता है d स्क्वायर माइनस 4ac
बी स्क्वायर मतलब 5√3 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 6। देखिए 5 का स्क्वायर हो गया 25 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 25 × 3 और 4 × 8 और 8 × 6 = 48। 25 × 3 = 75 माइनस 48, 15 − 8 = 7, 15 − 8 = 7 और यहाँ पर क्या बचा 27 हो गया हमारा तो डी है क्या 27 हाँ 27 तो लिखा है तो डी की वैल्यू 27 आ गई। तो 27 क्या है ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन has real and distinct roots. Real and equal roots कब आते हैं जब d की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है has real and distinct roots because d is greater than 0. ठीक है इसके बाद उन्होंने बोला कि if so find them कि अगर real roots आते हैं तो फिर आप उनको find out करिए स्क्वायर तो नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 9 × 3। ऐसे क्यों लिखा क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है और जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 9 बाहर आ जाएगा ये 3 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर केवल 3 रह जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 का स्क्वायर × 3 तो 3 का स्क्वायर है तो अगर किसी भी नंबर की पावर इवन होती है और वो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा रहता है तो उसकी पावर बाहर आकर हाफ हो जाती है। जैसे 3 की पावर 2 है तो 2 का हाफ क्या हो जाएगा 1, तो वो जो 3 का स्क्वायर है वो बाहर आकर 3 की पावर 1 हो जाएगा। मानो यहाँ पर 3 की पावर 4 होती तो वो बाहर आकर 4 का हाफ हो जाता है, पावर में जो 4 लिखा हुआ है उसका हाफ हो जाता है यानी कि 3 की पावर 2 हो जाता है। ठीक है और अपॉन में 2 × 2 यानी कि 4 तो x = −5√3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर बाहर आकर हो जाएगा 3 और अंदर बचा √3 प्लस माइनस 3√3/4। ठीक है तो x क्या हो गया x = −5√3 + 3√3/4 और x = −5√3 − 3√3/4 ये होता है। तो x = −5√3 + 3√3 कितना हो गया माइनस का 2√3/4 और x = −5√3 − 3√3 कितना हो गया माइनस का 8√3/4 4 × 4 = 8 2 × 2 = 4 तो x = −√3/2 और x = −√3 बताइए क्लियर। ठीक है जी चले आगे चलो इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट।
कार्ड। थर्ड पॉइंट है 3x² + 2√5x -5 = 0। Compare it with ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करिए तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2√5 और c की वैल्यू -5। तो a, b और c की ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो d निकालेंगे, b² - 4ac, तो 2√5² - 4√3 - -1। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, 18। 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5 हो गया माइनस 4 3 जा 4 3 जा 12, 12 5 60 20 60 ये हो गया 80 ठीक है। अब सो द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन distinct roots. By quadratic formula, ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है, शांत बैठे हैं अभी दबा दो। Yes, sir. बाकी दोनों आयुष्मान प्रचिता मैडम बोला। अच्छा तुमने बोला लेकिन इधर आवाज़ ही नहीं आई, अब आ गई। ठीक है ठीक है, चलिए जी। x = क्या हो गया माइनस और b कितना है 2√5 माइनस √d, b कितना है 80 अपॉन टू ए, ए कितना 3 -2√5 ±। अब जैसे कि 80 लिखा हुआ है, 80 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो सोचो इसके आसपास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए 80 है, तो 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है कि मैं इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करूँगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 40 जा, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 2 20 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 10 जा, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा। अब अगला प्राइम नंबर, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा 5, अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, अगला प्राइम नंबर 5 है, 5 से डिवाइड हो रहा है, सर 4√5 हो जाएगा। हाँ जी, तो ये जो 80 है, 80 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, तो अंडर रूट के अंदर आप लिखो 2 की पावर 4 × 5 अपॉन 2a यानी कि 2 × 3 = 6। मैंने आपको ये बोला था कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा है कि जिसकी पावर इवन दे रखी हो तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आकर आधी हो जाती है पावर, ठीक है। तो 2 की पावर 4 है, ये स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 2
टू की पावर टू हो जाएगा, ठीक है, आधी हो जाएगी उसकी। तो x इज इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव प्लस माइनस टू की पावर फोर बाहर आकर हो जाएगा बेटा टू की पावर टू और अंडर रूट फाइव और ये अपॉन में सिक्स। x इज इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव और टू की पावर टू क्या होता है फोर, तो फोर रूट फाइव अपॉन सिक्स क्या हो गया x इज इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव प्लस फोर रूट फाइव, ये कुछ ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे माइनस टू एक्स और प्लस फोर एक्स, क्योंकि रूट फाइव देखें दोनों दोनों में आ रहा है, तो फोर रूट फाइव माइनस टू रूट फाइव इज टू रूट फाइव और इधर से एक्स की वैल्यू माइनस टू रूट फाइव माइनस फोर रूट फाइव इज माइनस सिक्स रूट फाइव। ये ऐसे हो गया जैसे माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स, माइनस टू एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस सिक्स एक्स होता है, सिक्स से सिक्स कट गया सिक्स वन जा सिक्स और टू वन जा टू टू थ्री जा सिक्स, तो दो वैल्यूज आ गई एक्स की, एक वैल्यू आ गई बेटा रूट फाइव अपॉन थ्री और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस का रूट फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस का रूट फाइव, ठीक है चले। चलिए जी ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट, कोई रियल रूट वाला क्यों नहीं आ रहा, अभी रियल रूट नहीं है, रियल और इक्वल वाला। मैं इसके बाकी के सारे सारे पार्ट जो है वो छोड़ रहा हूँ, मैं इसका सिक्स्थ पार्ट कर रहा हूँ, सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, क्योंकि सब में ऐसा ही है, बार बार जो डी है वो ग्रेटर देन जीरो है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएगा, तो सब कुछ सेम ही है, सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट में हमको दिया है 25x square plus 20x plus 7 25x square plus 20x plus 7 is equal to 0। Compare it with ax square plus bx plus c is equal to 0. A is equal to 25, b is equal to 20. A is equal to 25, b is equal to 20 और c is equal to 7. ये हो गया। अब d is equal to होता है b square minus 4ac. का स्क्वायर माइनस फोर इंटू 25 इंटू 7, 20 का स्क्वायर इज 400 और 25 फोर जा 100, 100 7 जा 700, 400 माइनस 700 इज माइनस 300, तो डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस 300, यानी कि ये क्या आ गया लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, सिंस डी इज लेस देन जीरो सो द given quadratic equation has no real roots, इस quadratic equation के कोई real roots नहीं है, real roots नहीं है तो इसको solve नहीं करेंगे, यही छोड़ देंगे, ठीक है।
एग्जांपल नंबर थ्री, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू, x minus 1 upon x plus 2 plus x minus 3 upon x minus 4 x minus 3 upon x minus 4 is equal to 10 upon 3. इसको अपने आप सॉल्व करना है. पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेकर जो इधर डिनोमिनेटर में आएगा उसका इससे मल्टीप्लाई और उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले बनेगी, मैं इसका आंसर बताता हूँ आपको. आपको ये समझ में आ गया कि d जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 297 आएगी, है ना, और जो 297 है उसका स्क्वायर रूट लेने की मेहनत नहीं करनी है आपको, आंसर रूट में ही निकाल कर छोड़ देना है. ठीक है, कर पाएंगे? फिर पहले d निकालना होगा, d आपका 297 आएगा ग्रेटर देन 0, और फिर उसके बाद में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी अपॉन 2a करना है. ठीक, नहीं होगा तो पूछना. और भी कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको भेजूंगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है ये लगाकर कर लेंगे. एक्सरसाइज 4.5, जिसके पास भी आरडी है उसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं पूरा भेजने वाला हूँ. क्वेश्चन नंबर थ्री आप लाइन से देख लीजिए. यहाँ पर ये सीबीएसई 2005, सीबीएसई 2016, एनसीईआरटी, सीबीएसई 2014, 2016, तो लगातार सीबीएसई में क्वेश्चन आए हैं. ठीक है, तो इनको छोड़ा नहीं जा सकता, मतलब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल देखते हैं. नहीं आज नहीं ले रहा मैं केमिस्ट्री का, बता देता हूँ आपको. केमिस्ट्री की क्लास मैं लूँगा आपके 7 तारीख के बाद. अभी थोड़ा 12th वालों की क्लास लेनी पड़ रही है, आखिरी बोर्ड का एग्जाम बचा हुआ है 7 तारीख. चलिए जी, ओके.